brought to you by Sensodent K. बस बैक ले SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तू ट्राई करके देख ले Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ रूल ब्रिटानिया इंग्लैंड टिल आई डाई और वी वांट आवर कंट्री बैक ये नारे पिछले एक हफ्ते से ब्रिटेन के सड़कों पर गूंज रहे हैं दक्षिणपंथी समूह प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं पर अब ये बात सिर्फ नारों तक सीमित रही नहीं है कई इलाकों में फार राइट समूहों ने हिंसा की होटल्स सड़कों पर आगजनी दुकानों में लूटपाट की मस्जिदों और मुसलमानों के घरों पर हमले किए अब तक 400 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इसे ब्रिटेन में 13 साल का सबसे खतरनाक दंगा बताया जा रहा है ब्रिटेन ने ऐसे दंगे साल 2011 में देखे थे हालिया दंगों के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने दंगाइयों को चेतावनी दी है कहा है कि इसका खामियाजा भुगतना होगा लोगों को चुन चुन कर जेल भेजा जाएगा आप सुन लीजिए आई गारंटी यू विल रिग्रेट टेकिंग पार्ट इन दिस डिसऑर्डर वेदर डायरेक्टली ऑर दोज व्हिपिंग अप दिस एक्शन ऑनलाइन एंड देन रनिंग अवे देमसेल्व्स दिस इज नॉट प्रोटेस्ट इट इज ऑर्गेनाइज्ड वायलेंट थगरी And it has no place on our streets or online. दंगों को शांत करने के लिए ब्रिटेन में स्पेशल पुलिस फोर्स लगा दी गई है ज्यादातर जगहों पर तो दंगे काबू भी कर लिए गए हैं कुछ जगह छिटपुट हिंसा की खबर अभी भी आ रही है अब इसके काउंटर में नस्लवाद विरोधी रैलियां भी निकाली जा रही हैं इसमें वामपंथी समूह बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं तो आज के शो में हम जानेंगे कि ब्रिटेन में हुए दंगों की पूरी कहानी क्या है इन दंगों के पीछे कौन लोग हैं की स्टार्मर इससे कैसे निपट रहे हैं अभी अभी आए हैं और ब्रिटेन में नस्लवाद विरोधी रैलियां क्यों निकाली जा रही हैं नमस्ते मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना कार्यक्रम दुनियादारी जहां आज चर्चा ब्रिटेन दंगों की सबसे पहले समझते हैं कि इन दंगों की शुरुआत कैसे हुई 29 जुलाई 2024 की तारीख थी साउथपोर्ट टाउन साउथपोर्ट ब्रिटेन का एक छोटा सा शहर है आबादी इसकी महज 1 लाख के आसपास है लिवरपूल आपने सुना होगा एक शहर उससे 27 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है 29 जुलाई की शाम यहाँ आम दिनों की तरह बच्चों की डांस क्लासेस चल रही थी पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट की थीम पर बच्चे डांस प्रैक्टिस कर रहे थे तभी अचानक एक 17 साल का किशोर डांस पार्टी में घुसता है उसने अपने कपड़ों में चाकू छिपाया था अंदर घुसकर उसने वहां मौजूद लोगों पर चाकू से हमला कर दिया इसमें 8 बच्चे और 2 वयस्क गंभीर रूप से घायल हुए और 3 बच्चियों की मौत हो गई 17 साल का किशोर गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन इंटरनेट पर कुछ लोगों ने प्रायोजित रूप से अफवाह फैलाने शुरू कर दी क्या अफवाह अफवाह कि हमलावर एक कट्टरपंथी मुसलमान है और वो अवैध तरीके से देश में घुसा ये संदेश इंटरनेट पर फैलाया गया जिससे दंगों का माहौल तैयार हुआ लेकिन असलियत एकदम उलट थी वो लड़का मुसलमान नहीं था लड़के का नाम एलेक्स मुगुनवा है उम्र 17 बरस है उसके माता पिता रमांडा के हैं एलेक्स की उम्र 6 साल की थी तब माँ बाप उसे ब्रिटेन लेकर आ गए थे तब से वो ब्रिटेन में ही रह रहा है माँ ने उसकी परवरिश ब्रिटिश समाज में ही हुई है पर कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने इसे मुसलमान बताकर इंटरनेट पर झूठ परोसना शुरू कर दिया लोग मोबिलाइज होने लगे 30 जुलाई को साउथपोर्ट से दंगों की शुरुआत भी हुई दंगाइयों ने सड़कों पर आगजनी की जब पुलिस इन सब को रोकने आई तो दंगाई उनसे ही भिड़ गए 39 पुलिस वाले घायल हुए हैं 31 जुलाई तक दंगों की आग पूरे ब्रिटेन में तकरीबन फैल चुकी थी हार्टलपूल शहर में दंगाई पुलिस से भिड़े यहाँ से कुल 8 गिरफ्तारियाँ हुई इनमें 11 और 14 साल के किशोर भी शामिल थे एल्डरशॉट में 2 लोग पकड़े गए लंदन में भी शाम तक दंगाई एक्टिव हो गए थे 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर भी तोड़फोड़ हुई जहां प्रधानमंत्री रहते हैं वहां बिल्डिंग्स में लगे झंडे उखाड़ दिए गए पुलिस रोकने आई तो स्टॉप द बोट सेव आवर चिल्ड्रन जैसे नारे लगे स्टॉप द बोट क्योंकि नाव से ही यूरोप आते हैं प्रवासी 2 अगस्त को मस्जिदों पर पहला हमला रिपोर्ट किया गया ये सुंदरलैंड में हो रहा था ये शहर लंदन से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है मस्जिद के अलावा मुस्लिम घरों पर भी पथराव हुआ है सड़क पर खड़ी गाड़ियों और एक सरकारी दफ्तर को भी दंगाइयों ने फूंक डाला 3 अगस्त को लिवरपूल में सबसे भयानक दंगे हुए यहाँ हिंसा में दर्जनों लोग घायल हुए 2 पुलिस अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया कुल 33 गिरफ्तारियाँ यहाँ से हुईं और कहाँ कहाँ से दंगे हुए स्टोक ब्रिस्टल ब्लैकपूल नॉटिंघम मैनचेस्टर लीड्स रदहैम टैमवर्थ समेत कई शहरों में दंगे हुए हैं इन शहरों से दर्जनों दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया कई शहरों की मस्जिदों पर हमले हुए हैं ऐसी सूचना है मुस्लिम विरोधी नारे भी लगे हैं मुस्लिम महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां हुई हैं कई मामले इसके दर्ज हुए हैं फिर 4 अगस्त को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर लोगों के सामने आए और कहा कि मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं ये सही नहीं है यहाँ सभी को रहने का हक है दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा People in this country have a right to be safe. And yet, we've seen Muslim communities targeted.
attacks on mosques, other minority communities singled out, Nazi salutes in the street, attacks on the police, wanton violence alongside racist rhetoric. So no, I won't shy away from calling it what it is, far-right thuggery. To those who feel targeted because of the colour of your skin or your faith, I know how frightening this must be. I want you to know that this violent mob do not represent our country, and we will bring them to justice. Our police deserve our support as they tackle any and all violent disorder that flares up. Whatever the apparent cause or motivation, we make no distinction. Crime is crime, and this government will tackle it. अगस्त को ब्रिटेन की सरकार ने मस्जिदों की सिक्योरिटी बढ़ाने का ऐलान किया, कहा कि जरूरत पड़ने पर पुलिस की यूनिट तुरंत मस्जिदों पर तैनात की जा सकेंगी। 4 अगस्त को पीएम के ऐलान के बाद कुछ जगह पर शांति आई, स्पेशल पुलिस तैनात की गई। 6 अगस्त को सरकार ने कहा कि हालात नियंत्रण में हैं, स्थिति बिगड़ने पर हमने 6,000 पुलिसकर्मी रेडी रखे हैं। ब्रिटेन में टेलमामा नाम की एक मॉनिटरिंग संस्था काम करती है, ये ब्रिटेन में मुस्लिम विरोधी घटनाओं को दर्ज करती है। इन दंगों के बाद टेलमामा ने एक रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट के मुताबिक दंगों के दौरान कुल 10 मस्जिदों पर हमले हुए, मुस्लिम महिलाओं को हिजाब के साथ घर के बाहर निकलने में डर का सामना करना पड़ रहा है। ये तो हुई अब तक के दंगे की बात। अब समझते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं। पीएम कीर स्टार्मर ने इसके लिए अति दक्षिणपंथी समूह फार राइट ऑर्गेनाइजेशंस को जिम्मेदार बताया है। सबसे ज्यादा चर्चा में टॉमी रॉबिन्सन है, वो ब्रिटेन में कट्टर दक्षिणपंथी के रूप में जाने जाते हैं, मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ बयान देने के लिए कुख्यात हैं। अभी वाले दंगों से टॉमी का क्या लेना देना। इल्ज़ाम है कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबर फैलाने में इनका भी हाथ था। टॉमी की कहानी क्या है ये भी आपको बता देते हैं। जन्म 1982 में हुआ इनका, ल्यूटन शहर में, पढ़ाई लिखाई भी इसी शहर में हुई और ये एक मुस्लिम बाहुल शहर है। यहीं वो दक्षिणपंथी नेताओं की सोहबत में आए और साल 2009 में इंग्लिश डिफेंस लीग EDL नाम के दक्षिणपंथी संगठन की शुरुआत की। संगठन अप्रवास के मुद्दे पर रैली बुलाता है, कैंपेन करवाता है, प्रवासी जो बाहर से ब्रिटेन में बसने आते हैं। बाद में संगठन के खिलाफ केस हुए तो टॉमी ने संगठन से दूरी बनाई, हालांकि उन्होंने अपना काम जारी रखा। वो इंटरनेट पर झूठ फैलाने के लिए भी कुख्यात हैं। मार्च 2018 में उनका एक्स अकाउंट हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। उस समय एक्स का नाम हुआ करता था ट्विटर। कंपनी ने यह भी कहा था कि दोबारा हमारे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाया तो फिर बैन किए जाओगे, लेकिन एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद सब बदल गया है। टॉमी की यहाँ वापसी हो गई है, अब उन पर फिर फर्जी खबर फैलाने के इल्ज़ाम लगते हैं। हालिया दंगों में भी कई जानकारों ने एलन मस्क पर नाराज़गी जताई है। एलन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से भी भिड़ते दिखे। खैर, हम लौटते हैं टॉमी पर। टॉमी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। 2011 में एक रैली में हिंसा करने के लिए मुकदमा दर्ज हुआ, फिर अमेरिका में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर एंट्री लेने का आरोप भी इन पर लगा। 2018 में अदालत की अवमानना के जुर्म में जेल जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि क्या हालिया दंगों में फर्जी खबर फैलाने में टॉमी शामिल थे या नहीं। दंगों पर सरकार क्या एक्शन ले रही है। पीएम कीर स्टार्मर ने कहा कि हम 600 लोगों को जेल में रखने की तैयारी कर रहे हैं। अब तक 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो भी चुकी है। 7 अगस्त को लिवरपूल क्राउन कोर्ट में 58 साल के एक व्यक्ति को 3 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। ये इस मामले में पहली सजा है। सभी दोषियों को सजा दी जाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि हम सिर्फ दंगाइयों के खिलाफ नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों पर भी एक्शन लेंगे। इन सब के बीच सोशल मीडिया के नियंत्रण पर भी बहस छिड़ी हुई है। पीएम कीर स्टार्मर ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनीज ने झूठ फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। ब्रिटेन के साइंस मिनिस्टर पीटर कॉयल ने टिकटॉक, मेटा, गूगल और एक्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। वहीं जानकारों ने इन दंगों के लिए सीधे सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया का अल्गोरिदम ही ऐसे काम करता है कि झूठ परोसा जा सके। हमने शुरू में भी बताया कि यह दंगा ब्रिटेन में 13 साल का सबसे भयानक दंगा है। इससे पहले 2011 में एक ऐसा दंगा हुआ था। तब क्या हुआ था। 4 अगस्त 2011 को मार्क दुगन नाम के एक व्यक्ति की पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। दुगन ब्लैक कम्युनिटी से आता था। आरोप था कि वो हमले की साजिश रच रहा है। हत्या के बाद परिवार वालों ने कहा कि जिस समय दुगन की हत्या हुई वो निहत्ता था। इसके विरोध में दुगन के परिवार समेत 100 लोग पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा हुए और यहीं से हिंसा की शुरुआत हो गई। बाद में दंगा इतना फैला कि पूरे ब्रिटेन में 3,000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई और 5 लोग इसमें मारे गए। पर तब के दंगे की तुलना इस दंगे से क्यों की जा रही है।
क्योंकि 2011 वाले दंगे फैलाने में भी फर्जी खबरों का ही सहारा लिया गया था। एक खबर फैलाई गई कि दुग्गन की मौत के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे थे, तभी पुलिस ने 16 साल की लड़की को जमीन पर लिटाकर बुरी तरह पीटा, उस पर घूंसे मारे। इसी वजह से लोगों में और गुस्सा फैल गया और दंगे भड़क गए। अभी क्या ताज़ा अपडेट है, ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों में नस्लवाद विरोधी रैलियां निकाली जा रही हैं, ये दंगों के विरोध में किया जा रहा है। कई जगह प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन का झंडा लेकर पहुंच रहे हैं। आप समझते हैं कि ब्रिटेन में अप्रवास या माइग्रेशन का मुद्दा इतना बड़ा क्यों बना हुआ है। दक्षिणपंथी धड़ा इसकी वजह माइग्रेंट्स की बढ़ती संख्या को बताता है। हर साल लाखों लोग ब्रिटेन में रहने आते हैं। साल 2023 में 685,000 लोग यहाँ आए, पिछले 2-3 सालों में इनकी संख्या बढ़ी ही है और वजह है यूक्रेन का युद्ध। जानकार कहते हैं कि गाजा युद्ध के फैलने के आसार हैं। ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में भी इसका असर होगा, और अगर ऐसा होता है तो ब्रिटेन समेत यूरोप के देशों में अप्रवासियों की माइग्रेंट्स की संख्या बढ़ सकती है। ब्रिटेन का एक बड़ा दक्षिणपंथी धड़ा इल्ज़ाम लगाता है कि इनके आने से हमारे रिसोर्स ख़त्म हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है। इसी वजह से पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अवैध माइग्रेंट्स को रोकने के लिए रवांडा बिल पेश किया था। इसके तहत तो अवैध प्रवासियों को रवांडा भेजने की तैयारी में थे, ऐसा हो नहीं पाया। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो गई और लेबर पार्टी की सत्ता आई, उसने बिल रद्द किया। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर। हमने इस विषय को और विस्तार से समझने के लिए लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में लेक्चरर डॉक्टर मुसब इकबाल से बात की। हमने उनसे पूछा कि ब्रिटेन में अभी क्या हालात हैं, क्या काउंटर प्रोटेस्ट से हालात में सुधार की कोई उम्मीद है। आज तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई मेजर प्रोटेस्ट हुआ है, और काउंटर प्रोटेस्ट स्पेशली जो साउथ इंग्लैंड में हुआ है वो प्रोटेस्ट से काफ़ी बड़ा है। काउंटर प्रोटेस्ट प्लस पुलिसिंग प्लस कन्विक्शन, तीन लोगों को बहुत स्विफ्टली बहुत जल्दी कन्विक्शन मिला। एक आदमी को पुलिस को मारने के जुर्म में 3 साल की सज़ा हुई। तो ये सरकार के मुताबिक ये एक बड़ा डिटेरेंट है, ये लोगों को रोकेगा। तो काउंटर प्रोटेस्ट, पुलिसिंग और कन्विक्शन, ये तीनों का असर तो है। दूसरी बात ये भी है कि ये प्रोटेस्ट हर जगह इतने बड़े नंबर में नहीं था। कहीं छोटे, जिसको हम कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट के दौरान में ठग एलिमेंट या क्रिमिनल एलिमेंट है, वो ज़्यादा एक्टिव कहीं पर हुआ। तो काउंटर प्रोटेस्ट कहीं बहुत बड़ा भी हुआ तो उसके मुकाबले में 10 लोग खड़े हुए हैं। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पर काउंटर प्रोटेस्ट है और कहाँ पर प्रोटेस्ट है। तो नॉर्थ इंग्लैंड, जहाँ से शुरू हुआ साउथ पोर्ट में, जैसा कि लोगों को याद होगा कि 29 तारीख को एक 17 साल के लड़के ने स्टैबिंग की जिसमें 3 छोटी बच्चियों मर गईं, उनकी मौत हो गई उसमें, और कई लोग जख्मी हुए। फिर ये अफवाह चल पड़ी कि ये किसी असाइलम सीकर ने जो बोट से आया था उसका काम है। फिर ये चल पड़ी कि ये मुसलमान था। तो वहाँ से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। तो नॉर्थ में इसका ज़्यादा असर है। नॉर्थ में असर होने की और भी वजहें हैं, उसमें से एक बड़ी वजह ये है कि नॉर्थ साउथ के मुकाबले में गरीब है, तो एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट जल्दी बिल्ड होता है ऐसे इलाकों में जहाँ लोग ऑलरेडी इकोनॉमिक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वहाँ फिर माइग्रेंट को, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्केप गोट बनाना, बताना कि इन्हीं लोगों की वजह से जॉब जा रही है या हमको सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, ये आसान होता है। तो इसमें 2 एंगल है। एक जो एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट है जिसका ताल्लुक बहुत सारी चीज़ों से है, उसमें एक इकोनॉमिक भी है, क्योंकि नॉर्थ में ज़्यादा पिछले 10-20 सालों में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गिरावट आई है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, और उसका असर लोग महसूस करते हैं। और दूसरा इसका सीधा और साफ ताल्लुक मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन से, जो ज़्यादा खतरनाक है। जहाँ से शुरू हुआ, Channel 3 नाम के एक वेबसाइट ने शुरू किया, जिसका लिखने वाला एक आदमी रिपोर्टर कनाडा में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, और वहाँ पर एक बिल्कुल फेक स्टोरी बना दिया कि ये मुसलमान था, असाइलम सीकर था। ना वो मुसलमान था ना वो असाइलम सीकर था। तो और उसके बाद इसमें फिर हम टेलीग्राम का रोल देख सकते हैं और ट्विटर का रोल देख सकते हैं। एक अफवाह पर पूरे ब्रिटेन में दंगे होने लगे। क्या ये माहौल लंबे समय से तैयार हो रहा था या ये अचानक हुआ है? इसमें दोनों बात समझने की, एक ये कि एक सेंटिमेंट होता है और वो सेंटिमेंट लंबे समय से बिल्ड हो रहा होता है। तो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट नया नहीं है,
ये बिल्ड हो रहा है, और इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है। जो गवर्नमेंट में पार्टी थी 14 साल से, टोरी पार्टी, उसका डायरेक्टली रोल है कि वो बोट से जो लोग असाइलम सीख करने आ रहे हैं, संरक्षण लेने के लिए देश में आ रहे हैं, उनके खिलाफ एक रेटरिक है, उनके खिलाफ लगातार बोला जा रहा है। तो एक सेंटिमेंट बना हुआ है कि इमिग्रेंट जॉब ले रहे हैं, इमिग्रेंट क्रिमिनल हैं, या इमिग्रेंट बहुत सारी तरीके से हमको हमको जो है डिप्राइव करके चीजें फायदा उठा रहे हैं इस मुल्क से। और सेंटिमेंट को टैप फिर एक अल्ट्रा राइट विंग करता है, और जो हम मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इंग्लैंड में नहीं, अब ये हम हर जगह देख रहे हैं, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, कि एक अफवाह फैलती है, लोग जमा हो जाते हैं, और फिर इसमें टेक्नोलॉजी का एक बड़ा रोल है कि वो सेंटिमेंट को टैप करता है। अब जैसे इसमें आप देखें कि एक मामूली सी अफवाह है कि वो मुसलमान था तो लोग मस्जिद पर जाके पत्थरबाजी शुरू कर दिया। तो ये हम डिसइंफॉर्मेशन का जो एक पूरा नेटवर्क है, जिसमें खास तौर पर टेलीग्राम और ट्विटर की हम, या जिसको हम अब एक्स कहते हैं, उसकी बात करें, तो इसका मेजर रोल है इसमें भी, कि टेलीग्राम के थ्रू ये ऑर्गेनाइज, सिर्फ इतना नहीं हो रहा है कि लोग रायट कर रहे हैं इसमें, जो दूसरी चीज नोट करने की है कि इन टेलीग्राम के इन चैट ग्रुप्स पर इमिग्रेंट लॉयर का एड्रेस पास किया जा रहा है कि जाओ और उनके घर पे अटैक करो इनडायरेक्टली। तो तकरीबन 30 या 35 इमिग्रेंट लॉयर का नाम रिलीज कर दिया, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा जो इमिग्रेशन के केसेस लड़ते हैं। एक केस में तो ये हुआ कि एक इमिग्रेंट लॉयर अपने माँ के एड्रेस पर रजिस्टर्ड था, वो माँ बेचारी 80 साल की है, तो उसकी पोती जो है कह रही है भाई मेरे माँ दादी के घर पे हमला मत करो। तो एक बहुत डेंजरस है, एक फेनोमेनन है जो जो मिस इन्फॉर्मेशन स्लैश डिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि दोनों में अंतर है। डिस इन्फॉर्मेशन एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने का, और वही इस केस में हुआ। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चाकू मारा है, लेकिन फिर भी लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं कि वो मुसलमान था और वो असाइलम सीकर था, और वो 1 साल पहले ही जो है बोट से इंग्लिश चैनल क्रॉस करके आया था। तो सारी बात गलत थी। तो इसमें फिर उसी तरह एक्स का भी, स्पेशली जब से एलन मस्क ने इसको खरीदा है, उसने एक तरह से खुली छूट दे दी है इस तरह के एलिमेंट को। टॉमी रॉबिन्सन, जिसका नाम बार बार यहाँ लिया जा रहा है, जो अल्ट्रा राइट का बड़ा लीडर कह लें या जो भी कह लें उसके लिए इस्तेमाल कर लें, सरगना कह लें ना। तो मैंने कहीं पढ़ा कि उसका ट्विटर पर जो है वो हैंडल ब्लॉक था, और उस जैसे बहुत सारे लोगों का ब्लॉक था, और फिर एक्स जब बन गया और एलन मस्क ने उसको अलाउ कर दिया, फिर एलन मस्क का खुद डायरेक्टली हाथ इसमें हमने देखा कि वो इन्वॉल्व है। वो कह रहा है कि इसकी पॉलिसिंग अलग हो रही है, और जो ब्लैक लोग प्रोटेस्ट करते हैं उसकी पॉलिसिंग, तो एक क्लियरली एक सेंटिमेंट बनाया जा रहा है कि वाइट लोग एक तरह से विक्टिम है, जो कई जगह हम देखते हैं कि मेजोरिटी खुद को विक्टिम बोल देती है और उसकी फिर पॉलिटिक्स होती है। तो इसमें इसमें इन डिसइंफॉर्मेशन का बड़ा रोल है, और ये दिखाता है हमको कि कैसे गलत इंफॉर्मेशन, वायलेंस कहीं पर भी हो, इंग्लैंड हो, भारत हो, अमेरिका हो, कहीं पर भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है, और इसकी पॉलिसिंग कितना कितनी ज़रूरी है, या इसके सिलसिले में अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। आज का दुनियादारी यहीं तक, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।